आज संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ, लेकिन एक बार फिर से संसद में घोटाले की गूंज सुनाई दी। हम बात कर रहे हैं 12,500 करोड़ के पीएनबी घोटाले की। लगातार कांग्रेस पार्टी बीजेपी को घेर रही है नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के भाग जाने पर, लेकिन आज केंद्र सरकार की तरफ से पलटवार करते हुए कहा गया कि चिदंबरम ने 2080 स्कीम में बदलाव किया था। ये एक ऐसी स्कीम, गोल्ड स्कीम, जिसका नाम लेते हुए कहा गया कि मेहुल चोकसी से चिदंबरम को कितना कमीशन मिला ये बताया जाए। दरअसल कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह आरोप लगाया कि मेहुल चोकसी की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए 2014 में तब के वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने 2080 स्कीम में बदलाव किया था, जिसके बाद आरोपियों को भी सोना आयात करने की छूट मिल गई थी। बीजेपी ने चिदंबरम से पूछा कि उन्हें कितना कमीशन मिला। आज केंद्र सरकार ने बैंकिंग घोटाले पर कांग्रेस पार्टी को ही घेर लिया। प्लीज जो बैंकों का फ्रॉड हुआ है, करोड़ों रुपया एक के बाद एक के बाद ले जाता है डिस्कशन, और ये शुरू हुआ जितिन मेहता से लेकर और नीरव मोदी तक, और एक आदमी भी वापस नहीं आता है। द हाउस स्टैंड्स एडजॉइन टू मीट अगेन एट 12 o'clock। माननीय प्रधानमंत्री जी, विदेश से एक नया पैसा भी ब्लैक मनी वापस नहीं लाए, लेकिन मैं उनको जरूर बधाई देता हूं कि देश में जो व्हाइट मनी था भारत से बाहर भेजने में, वो सफल जरूर हो गए। ललित मोदी चला गया, विजय मल्या चला गया, और अब नीरव मोदी और मेहुल चोकसी। अब ये पहले शुरू में हुआ था कुछ करोड़ों से, अब 21,000-22,000 करोड़ तक पहुंच गया। मिस्टर चिदंबरम, प्लीज रिप्लाई। इट इज जुमला और पेटेंट फेवरेटिज्म, मैलाफाइडिक कंडक्ट एंड रैम्पेंट करप्शन। हम ये जानना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी जवाब दे, वो कौन लोग थे जो गीतांजलि और उनके कंपनी के 80-20 के बेनिफिट्स के लिए लॉबिंग कर रहे थे, और लॉबिंग का कट क्या था यह भी हम जानना चाहेंगे। 16 मई 2014 को रिजल्ट निकलने के दिन उन्होंने 80-20 का बेनिफिट देते हुए 7 प्राइवेट कंपनियों को भी अपना आशीर्वाद दिया, और उन 7 कंपनियों में गीतांजलि नाम की एक कंपनी थी और स्टार ज्वेलर्स नाम की भी एक कंपनी थी। और आइए अब हम आपको ये बताते हैं कि दरअसल बीजेपी का आरोप है क्या। देखिए, 2014 में बीजेपी कह रही है कि चिदंबरम ने 2080 स्कीम में बदलाव किया था, ये बीजेपी का बड़ा आरोप है। ये कहा जा रहा है कि स्कीम बदलाव से आरोपियों को सोना आयात करने में छूट मिल गई थी। स्कीम में सोना आयात करने पर 20% सोने के गहने विदेश निर्यात करने होते हैं, ये नियम है। नियम में बदलाव की वजह से जिन 6 कंपनियों को छूट मिली थी उसमें मेहुल चोकसी की कंपनी गीतांजलि भी शामिल थी। और अब इसी पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद घेर रहे हैं इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी को। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।